हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम फंजाई की एनसीईआरटी लाइंस अंडरस्टैंड करना, और साथ ही साथ वायरस वायरॉइड्स वाला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस किंगडम फंजाई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम है और बड़ा किंगडम भी है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये जो बोलता है वो ये बोलता है कि किंगडम फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसके अंदर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। आप देखेंगे काफ़ी सारे फंजाई ऐसे हैं जो एडिबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सैप्रोफिटिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में, यानी लिविंग कंडीशंस में भी। अब आपने देखा होगा कि मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर, सपोज ब्रेड, उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, या फिर फ्रूट्स जैसे यहाँ पे ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज भी कोई भी फ्रूट होगा, उस पर वाइट वाइट कलर का एक सब्सटेंस सा बन जाता है जब उसको वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस मिलती हैं। फंजाई ऑलवेज ग्रोज इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। ये सब क्या है, हमारे फंजाई हैं। उसके बाद मशरूम जो हम खाते हैं वो एक फंजाई है, टोडस्टूल वो भी एक फंजाई है, टोडस्टूल एंड वाइट स्पॉट जो कि मस्टर्ड लीव्स के ऊपर हम देखते हैं वो क्या है, पैरासिटिक फंजाई की वजह से हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई ऐसे कि यीस्ट, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बियर और ब्रेड बनाने के लिए। बाकी फंजाई डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। अब पहली डिजीज़ आई है तो उसको मार्क करना बनता है और उसको समझना भी है। पहली डिजीज़ कौन सी है यहाँ पे जो कि फंजाई कॉज करती है, रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। यस, इसमें वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया में क्या होता है, ऐसे कोई वीट का कोई भी ऐसे प्लांट है उसके ऊपर ऐसे ऐसे रेडिश ब्राउन एक रस्ट टाइप की बन जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम रस्ट, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब कुछ रिसोर्सेज जो हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि हमारी फंजाई से हम डिराइव करते हैं। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट है। इट अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर भी, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी ये पाई जाती हैं, एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये प्रेफर करते हैं ग्रो करना वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे। कभी आपने सोचा है कि फ्रिज में क्यों नहीं ग्रो करती, क्योंकि वहाँ उसको वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, दिस इज़ द मेन रीज़न। नाउ सी, यही लिखा है क्योंकि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होने की वजह से, ज़्यादा वहाँ पे कूलनेस होने की वजह से जो बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन है वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। आप देखो, विद द एक्सेप्शन ऑफ, दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, मतलब यीस्ट को छोड़ के जो कि यूनिसेलुलर है, फंजाई जो है फिलामेंटस होती है, फंजाई फिलामेंटस होती है, ऐसे फिलामेंट्स के फॉर्म में होती है। जो बॉडी है वो एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करती है, मतलब उसका जो बॉडी है वो एक लंबी सिलेंडर शेप की ऐसे बनी है, लाइक दिस। सपोज दिस इज अ फंजाई बॉडी। अब देखिए, ये बोल रहा है कि यूनिसेलुलर कौन सा होता है, यीस्ट, उसको छोड़ के बाकी सारे मल्टी सेलुलर हैं। इसमें लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम हाइफे भी बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे होंगे जिसके ऊपर ऐसे फंजाई लगी होंगी, उसको हम हाइफे बोलते हैं। अब ये जो हाइफे है ना, इसका जो नेटवर्क होगा उसको हम माइसीलियम बोलेंगे। हाइफे की नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। आगे मूव करते हैं, आगे ये बोल रहा है कि कुछ हाइफे क्या है, वो कॉन्टीन्यूस ट्यूब है जिसमें कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल होगा, जैसे पहले बनाया था ऐसे कॉन्टीन्यूस ट्यूब है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड हमारा साइटोप्लाज्म फिल्ड है, और इसको हम बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफे। सीनोसाइटिक हाइफे, सीनोसाइटिक यानी इसके अंदर कोई फ्लूइड फिल है। और कुछ ऐसे हैं जो कि सेप्टेट होंगे, जिसके क्रॉस वॉल्ड होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे बोलते हैं। जो वॉल्स होते हैं वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड यहाँ पे कुछ यूज़ होता है, नाम और नाग पॉलीमर करके कुछ आता है, वो भी यूज़ होते हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं इस पर ऐसे क्रॉस वॉल्स बना दूंगी तो ये बन जाएगा सेप्टेट, सेप्टेट। इसमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, आगे डिस्कस करते हैं, वी आर ओनली स्टिकिंग टू एनसीईआरटी ओवर हियर। अब देखो, ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से। हमने तो कल भी पढ़ा था ये सैप्रोफाइट्स बोलते हैं इनको।
अब जो कि डिपेंड करती हैं बाकी प्लांट्स या एनिमल्स पे अपने फूड के लिए, उनको हम पैरासिटिक बोलते हैं। देखो वो क्या करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी रह सकते हैं सिम्बायोटिन्स की तरह। जैसे कि अगर वो एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहेंगे तो लाइकन्स का एग्जांपल इसके अंदर आ सकता है, और माइकोराइजा जो कि हायर रूट्स के साथ रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव मीन से हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है स्पोर फॉर्मेशन से, पढ़ते हैं वो हम। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो कुछ स्पोर्स से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया या स्पोरेंजियो स्पोर्स या जू स्पोर्स, ये सारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स हैं और कौन से सेक्सुअल स्पोर्स हैं। देखिए कोनिडिया, स्पोरेंजियो और जू स्पोर्स, और यहाँ पे आते हैं ऊ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिलोस्पोर्स। ये पॉइंट आपको आने चाहिए दोनों के दोनों अच्छे से, ठीक है। अब देखो कुछ स्पोर्स ऐसे हैं जो कि डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज सॉर्ट ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब सेक्सुअल साइकिल्स के कुछ स्टेप्स दिए हैं वो हम रिवाइज करेंगे। तीन स्टेप्स होते हैं मेनली इसमें, सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, गैमी हो है फ्यूजन, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, इसका इस यहाँ पे भी गैमी का मतलब है फ्यूजन। लेकिन प्लाज्मो मतलब प्लाज्मो मतलब कि उसका जो भी प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। और कैरियोगैमी यानी कि उसका जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन, ठीक है। ओके तो कैरियोगैमी हो गया मतलब कि न्यूक्लियाई की जो फ्यूजन है, और प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन को अपने प्लाज्मोगैमी बोला है। वो दो मोटाइल गैमीज के बीच में भी हो सकती है या दो नॉन मोटाइल गैमीज के बीच में भी हो सकती है। अब देखो जब भी फंगर रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली तो क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो दो हैप्लॉइड हाइफे जो कि कंपैटिबल होंगे मेटिंग के लिए वो साथ में आएंगे और फ्यूज करेंगे। लेकिन वो क्या होने चाहिए, इन्होंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि वो हैप्लॉइड होने चाहिए। तो देखो ना ऑब्वियसली एन प्लस एन टू एन बना लेंगे, एन प्लस एन टू एल बन टू एन बना लेंगे। कुछ फंजाई में क्या होता है, फ्यूजन होता है दो हैप्लॉइड सेल का, इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं जैसे टू एन जो कि मैंने अभी बताया। लेकिन कुछ में क्या होता है जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में, यहाँ पे जो लिखा है ना यहाँ पे आपका आएगा कौन सी वाली, अभी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। हमारे पास होता है फाइकोमाइसिटीज और ये आगे बेसिडोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज, तो वैसे एक अलग केस है। देखो फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा, डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज सॉरी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज हैं उसमें क्या होगा, एक अलग स्टेज आएगी। कौन सी स्टेज है वो नीचे पढ़ते हैं। एक अलग इंटरवीनिंग मतलब दो स्टेजेस के बीच में एक स्टेज पड़ रही होगी उसको बोलेंगे इंटरवीनिंग स्टेज। वो आएगी जिसमें क्या होता है एन प्लस एन दैट इज़ टू न्यूक्लियर पर सेल, वो ये ऐसी स्टेज अकर करेगी। आप मान लो कि 1+1 है लेकिन 2 नहीं लिखा हुआ है, वो 2 ही है हमारे अकॉर्डिंग समझने के लिए, लेकिन 1+1 की तरह हम उसको लिखेंगे। इस कंडीशन को हम बोलेंगे डाइकैरियन कंडीशन, मतलब दो न्यूक्लियाई, ठीक है। इस फेज को हम बोलेंगे डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। अब बाद में क्या होगा कि जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज कर जाएगा और फिर डिप्लॉइड हो जाएगा, लेकिन अभी वो डिप्लॉइड नहीं बनेगा, अभी वो ऐसे ही रहेगा। इसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे नहीं टेक्निकली, लेकिन समझने के लिए रख लो कि 1+1 है पर 2 नहीं हुआ है। अब जो फंजाई है जो कि फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगी ऑब्वियसली हाफ होगा, जिससे फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। अब हैप्लॉइड स्पोर्स को जब एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो देखो वो क्या करेगा, लैंड करेगा और प्रॉपर आगे उसका प्रोसेस चल पड़ेगा। जो मॉर्फोलॉजी होती है ना माइसीलियम की, जो भी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, ये सब कुछ जो है हमने डिवाइड किया गया है क्लासेस में, अब वो हम बताएंगे। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा। फंजाई कुछ ज़्यादा लंबा टॉपिक है तो रिवाइज करते हुए चलेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया आज, राइट। इसमें हमने सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें पढ़ी फंजाई के बारे में,
कि कहाँ पे रहता है, कौन कौन सा होता है, यूज़फुल कैसे होता है, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से पढ़ा कि कुछ मेडिसिन में यूज़ होता है तो कुछ बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता है प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में ही। फिर हमने पढ़ा कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम सीनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। इसके हाइफे होते हैं, माइसीलियम होता है, वॉल काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेक्राइड्स की भी बनी होती है, और ये एक सेप्रोफाइट है, पैरासिटिक भी हो सकता है। उसके बाद देखो हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट की इसकी। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ए सेक्शुअल स्पोर और सेक्शुअल स्पोर्स कौन से थे, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो ए सेक्शुअल स्पोर्स को हम एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ए सेक्शुअल स्पोर क्या है, आप कैसे लर्न कर सकते हैं इसको, SCZ, SCZ, सी सी ऐसे करके। और सेक्शुअल स्पोर्स कौन से होंगे, आप कैसे लर्न करेंगे इसको, बॉस की स्पेलिंग ऐसे कर लो, बॉस, बॉस यानी कि बी फॉर बेसिडोस्पोर्स, ओ फॉर ऊ स्पोर्स, ए फॉर एस्कोस्पोर्स, और एस मतलब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं आई विल टेल, वेट, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं CAS से, कैसेस, कैस कैसेस। तो किसी भी तरीके से हम लर्न कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे लर्न हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, बॉस और कैस, बॉस और कैस, ऐसे याद कीजिए। बॉस के पास बहुत ज़्यादा कैश है तो वो कैश को कैस बोलते हैं, कैस, ठीक है। चलिए आगे हमने क्या पढ़ा था वो देखते हैं। आगे हमने ये तीन स्टेप्स पढ़े और डाइकेरियन स्टेज भी अच्छे से पढ़ लिए, आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे क्लासेस। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेनली क्लासिफिकेशन हुई कैसे है। तो PABD ये है पूरी क्लासिफिकेशन, अब हम इसको पढ़ेंगे। पी फॉर फाइकोमाइसिटीज, देखिए जो भी मेंबर होते हैं फाइकोमाइसिटीज के वो क्या होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स पे रहते हैं और डीकेइंग वुड्स के ऊपर रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट एरिया में तो ऑब्वियसली ये रहते ही हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, डीकेइंग वुड्स में रहते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब कंपल्सरली पर्टिकुलरली पैरासाइट्स ही हैं, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो कि पैरासाइट नहीं। माइसीलियम एसेप्टेट होगा मतलब ऐसा होगा, सीनोसाइटिक होगा ऐसा, लेकिन इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे, सेप्टा रिमूव कर देंगे ऐसा होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और कौन से स्पोर्स यूज होंगे, जेड वाले जू स्पोर्स, अगर वो मोटाइल होंगे, और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो उन्हीं को हम ए प्लानोस्पोर्स भी बोलेंगे, फाइकोमाइसिटीज के ही स्पोर्स हैं लेकिन ए प्लानोस्पोर्स बोलेंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक स्पोरेंजियम सा बनता है और बाहर ऐसे करके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब एक जो भी आपका जाइगोस्पोर होगा ना वो बनेगा कब, जब फ्यूज होंगे दो गैमेट्स। ये जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, अगर सिमिलर होंगे तो हम उनको आइसोगैमस बोलेंगे, अगर डिससिमिलर होंगे तो हम उनको एन आइसोगैमस या ओगैमस बोलेंगे। सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसमें कैसा है, राम का, मैं अभी बताती हूँ। आप इसको ऐसे याद रखो, आप इसको रैम्प से भी लर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद रहता है कि कौन सा वाला कौन सा है तो आप इसको ऐसे लर्न करो, रैम्प से लर्न कर लो, रैम्प, रैम्प। आर फॉर राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड पे होता है, ब्रेड के ऊपर ब्लैक ब्लैक मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना वही। ए फॉर एल्ब्यूगो, जो कि एक पैरासिटिक फंगी होती है, मस्टर्ड पे वही जो वाइट वाइट डॉट्स वाला एग्जाम्पल दिया गया ऊपर। और म्यूकर, म्यूकर जो है वो डंग के ऊपर मिलने वाला कुछ ऐसा ही होता है। और पी मतलब कि फाइकोमाइसिटीज, तो आप उसको रैम्प से लर्न करेंगे। आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ NCERT पे स्टिक रहेंगे। चलिए ये हो गया हमारा एस्कोमाइसिटी, सॉरी फाइकोमाइसिटीज, अब मूव करेंगे हम एस्कोमाइसिटीज के ऊपर। यहाँ पे म्यूकर का डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए दिस इज म्यूकर। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ दिख रहे हैं आपको,
ये हैं हमारे ऐसे करके ऐसे फंजाई। चलिए अब मूव करते हैं हम एस्कोमाइसिटीज के ऊपर। चलिए सो एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। आप देखिए, आपको आपको कभी नहीं भूलेगा ये ट्रिक। देखिए आप इसको ए एस के को आप सैक कर दो, मतलब एस को बाहर ले आओ, हो जाएगा ना सैक, एस्क जो लिखा है। तो सैक फंजाई तो कभी भी नहीं भूलेगा। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, तो सैक फंजाई आपको समझ आ गया। और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। पेंसिलियम जो है एक रेयरली यूनिसेलुलर होगा, जैसे कि यीस्ट हो गया, सेक्रोमाइसिस हो गया, सेप्रोफिटिक है, डीकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक है, और कॉप्रोफिलस भी हैं। कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन द डंग। जो इनका माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट भी होता है। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट मतलब कि इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो माइसीलियम होगा वो देखते हैं कैसे होगा, लाइक दिस। इट इज ब्रांच्ड एंड इसमें सेप्टा भी प्रेजेंट होगा। इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो होंगे कोनिडिया, जो कि प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनसली, जैसे कि पहले हमने फाइकोमाइसिटीज में पढ़ा। और इसका स्पेशल माइसीलियम होता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडोफोर्स, स्पेशल माइसीलियम जिसके ऊपर कोनिडिया स्पोर्स ग्रो करेंगे। कोनिडिया जो है उसकी जो जर्मिनेशन होती है उसी की वजह से ही माइसीलियम बनता है, ठीक है। अब सेक्सुअल स्पोर्स होंगे एस्कोस्पोर्स, ये हमने पढ़ा था, और जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनसली, ये इंपॉर्टेंट है। एस्को वाले एंडोजीनसली, ऐसे याद रखिए कि सैक है कोई, उस सैक में हमने कुछ प्रीशियस रखा है और उसको हमने छुपा के रखा है, अंदर रखा है, अंदर मतलब एंडो, ठीक है। सैक इसमें दिख ही रहा है ना स्टार्टिंग में, तो सिंगुलर इसको एस्कस बोलेंगे। अब ये जो एस्काई है इसको अरेंज करते हैं हम डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसको हम एस्को कार्प्स बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दी है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, कैन से, सी ए एन, सी में से आएगा यहाँ पे क्लेविसेप, ए से आएगा एस्परजिलस जो है हमारी मशरूम, और एन से हमारे पास आएगा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम यूज़ करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, और काफ़ी सारे मेंबर्स जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स जो हैं वो एडिबल होते हैं, और अब तो ट्रफल का केक भी आना शुरू हो गया है। अब हम ऊपर मूव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसकी कोई डायग्राम दी थी हमें। हाँ, हमें इसमें डायग्राम दी गई है एस्परजिलस की। ये रहा एस्परजिलस, दिस इज एस्परजिलस एंड अ एस्कोमाइसिटीज। अब मूव करेंगे बेसिडोमाइसिटीज के ऊपर। अभी हम किस पे आ गए हैं, पी ए बी पे आ गए हैं, बी से आता है बेसिडोमाइसिटीज। जो बेसिडोमाइसिटीज है उसको हम मशरूम्स बोलते हैं और ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, मशरूम्स और ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स भी बोलते हैं। ये ग्रो करता है सॉइल में, लॉग्स के ऊपर और ट्रीज के स्टम्प्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर ऊपर ग्रो करता है। लिविंग प्लांट बॉडीज में भी रहता है पैरासाइट्स के फॉर्म में, रस्ट और स्मट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रस्ट और स्मट्स के ऊपर भी। देखिए जो माइसीलियम है इसका वो ब्रांच्ड होगा जैसे कि पहला था, और अब सेप्टेट भी होगा, उसमें सेप्टा भी होगा जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में भी था। और फाइकोमाइसिटीज में कैसा था, वहाँ पे ब्रांच नहीं था, वहाँ पे सीनोसाइटिक था। जो इसके एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो जनरली नहीं मिलते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। जो भी इसके सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो एब्सेंट होंगे, लेकिन जो प्लाज्मोगैमी होगी उसकी वजह से फ्यूजन होगी दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स की, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स के होंगे, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं मिलेंगे और ऑर्गन्स भी नहीं मिलेंगे इसमें, इसमें होगी वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स की फ्यूजन, जिससे हमें मिलेंगे क्या, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स की। अब देखिए जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनेगा डाइकेरियन, जो कि अल्टीमेटली राइज करेगा बेसिडियम में, मतलब पहले बनेगा डाइकेरियन फिर उससे बनेगा बेसिडियम। बेसिडियम कैरियोगैमी जो है और मियोसिस जो है वो बेसिडियम में ही होगा, जिससे फोर बेसिडोस्पोर्स बनेंगे। जो बेसिडोस्पोर्स है वो भी एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, और किस पे प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम के ऊपर।
जो बेसीडिया है उसको भी फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्म में, ऐसे गोल गोल बॉडीज़ होती हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्म में अरेंज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसीडो कार्प्स। और कुछ जो कॉमन मेंबर्स हैं इसके वो हैं अगैरिकस मशरूम, अस्टीलागो, स्मट एंड पक्सीनिया। इसका जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है, पक्सीनिया कौन सी है, रस्ट। इसको कैसे हम लर्न कर सकते हैं? अगैरिकस तो हमें पता ही है कि ये मशरूम है, और अस्टीलागो को हम कैसे लर्न करेंगे, यू एस, और यहाँ पे भी यू एस भी है, यू भी है और इसमें एस भी है अस्टीलागो। और पक्सीनिया को कैसे लर्न करेंगे, पक्सीनिया यानी कि हम किसको पकाकर खाते हैं, वीट को, तो वीट रस्ट, रस्ट बन जाए, इट इज़ पक्सीनिया। और अगैरिकस तो लर्न हो ही जाता है। अब देखो, अब आना है ड्यूटेरोमाइसिटीज के ऊपर, जो कि इम्परफेक्ट है। इसकी कोई पिक्चर है तो चेक कर लेते हैं। ये रही पिक्चर, और ये है हमारी घर की मशरूम, नॉर्मल मशरूम, ब्रैकेट फंजाय, बेसिडोमाइसिस एंड पफ बॉल, जो सब्जी बनाते हैं इसकी। आगे हम मूव करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के ऊपर। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाय बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेसेस ही नोन होते हैं, इसके सेक्सुअल फेसेस बिल्कुल भी नोन नहीं होते हैं। सेक्सुअल फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड, दे वुड बी मूव्ड इनटू द क्लासेस दैट राइटली बिलोंग टू, मतलब जब भी इनके फेसेस डेवलप हो जाएंगे या डिस्कवर हो जाएंगे तो इनको दूसरी कैटेगरीज में भी डाल देंगे। आगे यही बताएंगे कौन कौन सी कैटेगरीज में। देखो, अगर एसेक्सुअल वेजिटेटिव जो इसकी स्टेजेस है उनको कोई नाम दिया गया तो उसको हम डिटेरोमाइसिटीज में रहने देंगे, लेकिन अगर इसकी सेक्सुअल स्टेजेस भी डेवलप हो जाती हैं तो हम इनको किसी और क्लास में डाल सकते हैं। जब भी इसके लिंकेजेस एस्टेब्लिश होंगे तो इस फंजाय को करेक्टली आइडेंटिफाई किया जाएगा और डाल दिया जाएगा किसी और फेस में, और ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल दिया जाएगा। अब जब भी इसका परफेक्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज मेंबर्स मिल जाएंगे तब इनको हम एस्कोमाइसिटीज में भी मूव कर सकते हैं या बेसिडोमाइसिटीज में भी कर सकते हैं। जो भी डिटेरोमाइसिटीज हैं वो सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स बनाती हैं जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं। जो माइसीलियम होता है, अब यहाँ पे सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, बाकी सब में भी ऐसे ही होता है। एसेप्टेट अभी इसमें नहीं आया जिसमें ब्रांच भी हो। अब कुछ मेंबर्स जो हैं वो सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम जो है वो डीकम्पोजर्स ही होते हैं। मैंने ऐसे लर्न किया है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज है डी से शुरू, तो डी से ड्यूटेरो, डी से डीकम्पोजर्स, जो कि लिटर को डीकम्पोज करते हैं। मिनरल साइकिल में बहुत सारे मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सब कुछ इन्वायरमेंट में देते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे लर्न करेंगे हम इनकी, ऐसे TAC। अभी हमने इसको D को एडजस्ट करना है बीच में, कैसे करेंगे हम, DACT। DACT भी कर सकते हैं, वरना इनके नाम याद रहते हैं, ऑल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ऐसे याद करो। इसके अंदर TR, ट्राई भी आ रहा है और यहाँ पे भी टर भी आ रहा है, मतलब TR कुछ ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे भी ड्यूटेरो आता है। फाइको है, बेसिडो है और एस्को है, लेकिन ये TR तो कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर TR आ रहा है। इसका पहला एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, उसमें टर आता है। दूसरा है कॉलिटोट्राइकम, उसमें ट्राई आता है। और एक है हमारा एंड वाला, कौन सा है वो, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा में भी ट्राई तो आ ही रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं, तो उससे हमें ये याद रह जाएंगे। आगे है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन डिलीट हो गया है। किंगडम एनिमेलिया में भी कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है। वायरस, वायरॉइड्स और लाइकन्स यहाँ पे रहते हैं। वायरस, वायरॉइड्स और लाइकन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक चेंज हमें करना है इस बुक में। ये बुक थोड़ी ओल्ड वाली है आई गेस, तो ये वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हमने आज किंगडम फंजाय को अच्छे से पढ़ लिया है और डिस्क्राइब भी कर लिया, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर हमने आज ही मार्क कर लेने हैं। और ये रही हमारी किंगडम फंजाय। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लाइक दिस ओनली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू NCERT रीडिंग
एवरी डे एंड कम्प्लीटिंग सम टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.